भक्तों ने सुंदर स्वरूप से भक्त के लिए नरसिंह बन गए, जैसे मीरा के लिए गिरधर गोपाल, नरसिंह जी ने नाम दिया सावन साह, सावरिया साह बन के आप पधारे और ऐसा भात दिया भूतों न भविष्य। प्रथम में दर्शन कर रहे हैं दो संत, तीर्थाटन करते हुए द्वारका धाम के लिए जा रहे हैं। उनके पास कुछ द्रव्य है, संत भगवान उस पैसे की हुंडी बनवाना चाहते हैं, तो किसी दुर्जन ने नरसी जी का नाम बता दिया कि नरसी यहाँ बहुत बड़े सेठ हैं और उनका हुंडी पर्ची का काम सब जगह चलता है, द्वारका में भी उनकी गद्दी है। नरसी जी ने बहुत मना किया कि मैं तो आपकी तरह दीन ही हूं, परंतु जब संतों ने हट की तो नरसी जी ने सावरिया साह के नाम हुंडी लिख दी और प्रभु ने वह हुंडी चुकाई। और कैसे फिर नगर में आकर के मनसा सेठ के यहाँ समस्त नरसिंह जी की पुत्री के परिवारी जनों को भात पहनाया। श्री गुरु श्री गोविंद पद मंगल हित धर ध्यान, मंगल श्री ब्रजराज पद जो पाऊं सन्मान। गुरुदेव पधारे, द्वारका जा रहे हैं। भैया प्रेम से बोलो श्री सीताराम भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भैया मानव जीवन में वैसे तो बहुत से झंझट हैं, फिर भी साधु बन करके भी झंझट पालना ठीक नहीं है। हमारे गुरुदेव ने कहा था अंतिम समय कि बेटा एक बात याद रखना, बिल्ली मत पालना, बिल्ली मत पालना जीवन में। अंतिम समय का उपदेश है गुरुदेव का कि बेटा बिल्ली मत पालना। तो हमारे गुरु भाई थे, उन्होंने कहा तुम्हारे गुरुजी क्या कह गए हैं, समझ में नहीं आया। हमने कहा कोई हमारे गुरुजी के गुरु भाई मिल जाए, तो मिल गए भगत जी। हमने उनसे जाकर के पूछा कि हमारे गुरुदेव ने अंतिम समय कहा था बेटा बिल्ली मत पालना, तो बोले हाँ ठीक कहा था। लेकिन तुम्हारे गुरुदेव के साथ जो घटना घटी है, हुआ क्या था कि वैसे तो तुम्हारे गुरुजी बहुत त्यागी थे, लेकिन चूहे बहुत थे उनकी झोपड़ी में, तो किसी ने कहा कि बिल्ली पाल लो, तो चूहे के चक्कर में बिल्ली पाली। अब बिल्ली पाली तो महाराज बिल्ली के लिए दूध चाहिए, नहीं तो बिल्ली चली जाए कहीं और कहीं चक्कर में। तो बिल्ली के लिए दूध की व्यवस्था क्या करे कि बोले गऊ रख लो, गऊ रख लो। हाँ तो अब गऊ के लिए घास चाहिए महाराज, घास चाहिए। तो गुरुजी गऊ के लिए घास खोदने लगे, भजन छूट जाए और गऊ के लिए घास लाने लगे जंगल से। उस चूहे के चक्कर में बिल्ली पाली और बिल्ली के चक्कर में दूध की व्यवस्था और गऊ के लिए घास। अब धीरे धीरे के भजन छूट जाता है भाई। तो किसी ने कहा कि महाराज गांव में एक बेचारी विधवा है स्त्री, आप उसे सेवा में रख लो।
तो कहने का अभिप्राय धीरे धीरे करके बोले, अब अकेले कहां कुटिया में रहे, तो फिर आश्रम बन गया। आश्रम बन गया तो साधु का भजन छूट गया। कहने का अभिप्राय जीवन में कभी सब कुछ करो, लेकिन मन गोविंद के चरणों में रखो। बिल्ली मत पालो एक सूत्र है, तो यदि एक कामना जागेगी तो एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद। लेकिन कामना भी जगाओ तो ऐसी, जैसे आज हमारे गुरुदेव ने कहा, बेटा जितना भजन करो करो, यदि वाणी से भजन में मन न लगे तो तीर्थाटन करो। अब हमने वृंदावन, अयोध्या जी और उज्जैन नगरी कहां कहां सब दर्शन भ्रमण किए हैं, लेकिन द्वारिकापुरी रह गई है। द्वारिका बहुत दूर है, फिर भी चलते चलते साहस किया है हमने। एक हमारा चेला है, वैसे तो आजकल चेला ऐसे मिलते कि उल्टे उनकी सेवा कर लो, लेकिन ये चेला है तो ज्यादा चतुर तो नहीं है, लेकिन सेवा बहुत करता है। बेटा सीताराम, अरे सीताराम, हेलो, ये देखो अब उल्टे बोलता। इसका नाम और था पहले, बदल दिया, सीताराम से क्या है, भगवान का नाम निकलता है। सीताराम, अरे बेटा आ गए, आ नहीं रहे, हल्ला मचाने के सिवाय और कोई काम रहता है पे नहीं रहता है। अरे बेटा हल्ला मचाने की आयु तो चली गई, जिस समय हम हल्ला मचाते थे, अब तो तुम ही हो। बात समय तो हल्ला हो, हाँ नहीं नहीं, बुड्ढे जब होते हैं केवल हल्ला ही मचता है और कुछ होता नहीं। मचता नहीं है, तुम लोगों को लगता है कि हल्ला मचा रहा है बुड्ढा। तो पर एक बात सुनो, सुना अब यहाँ ये कौन सा नगर है पता है, जूनागढ़। जूनागढ़ से आगे का जो रास्ता है ना द्वारिकापुरी का, जी बड़ा कठिन है बेचा। अच्छा, हाँ, आर कहावत है सौराष्ट्र में कि द्वारिका राज करे रण छोड़, सर्व स्वर्ण की बनी द्वारिका, गोमती ले तिलोर, मंदिर मंदिर झालर बाजे, शंखन की घनघोर, 80 कोस की झाड़ी परत है, कावा भील कठोर, और झोली झंडा छीन लेते हैं तुमा डारे फोर। ढोली झंडा सब छीन लेते तुमा, यहाँ तक कि तुमा फोड़े तुम्हारा सर भी फोड़े, वो भील कोट सब किरात रहते हैं। अब जाएं तो जाएं कैसे, तो गुरुजी एक बात बताइए, अब चलना है द्वारिका धाम। हाँ जाना तो जरूर, और हमारे पास में भक्तों ने जो कुछ दक्षिणा में पैसा दिया है वो है। बेटा इस पैसे से हमारे प्राण भी जा सकते हैं। नहीं तो ऐसा है ना, क्या आप 80 कोस का जंगल जो बता रहे, उसमें से कोई मिल गया तो 4 डंडे आप में लगाएगा, 2 डंडे हम में लगाएगा, छिना लेगा सब। हाँ वही तो कह रहे हैं, तो क्या किया जाए बताओ। देखो कोई ऐसा सेठ मिल जाए जो हुंडी पर्चे का काम करता हो, जी हमसे पैसा ले ले, हुंडी बना दे, हम द्वारिका में ले लेंगे पैसा। तो सेठ क्या यहाँ पे थोड़ी आएगा, चल के आगे बढ़ो, सेठ मिलेगा। अच्छा तो सब सामान ले आओ, जाओ चलो आगे। अब किसी से पूछो तो सही, भैया कोई सेठ है कि नहीं, हम आगे चलेंगे कि तुम आगे चलो। राम कृष्ण भजले प्यारे, राम कृष्ण भजले प्यारे, राम सीताराम। सीताराम अच्छा भगत है, अब ये नगर का नाम, मैं अभी कमाता नहीं हूँ इसलिए कुछ दक्षिणा नहीं दे सकता। नहीं लेने नहीं आए हैं, देने आए हैं तो देने भी नहीं आए, लेना न देना मगर नहीं है। बस भैया बस एक बात बता दो। हाँ पूछिए। कोई सेठ है? सेठ ही सेठ है, सेठों की नगरी में खड़े हैं महाराज जी आप। कोई मोटे पेट वाला सेठ? नहीं, मोटे पेट वाले भी हैं, छोटे पेट वाले भी हैं, सब तरह के हैं। अरे नहीं, जो हुंडी पर्चे का काम करता हो वो क्या है, देखो अब बात पूरी बता देते हैं। हमारे पास कुछ धन है। अच्छा। और उस धन को हम उस सेठ को दे जाएंगे, हुंडी बना दे। भाई देखो रास्ता बड़ा कठिन है, कोई लूट ले, प्राण ले ले,
जा का रहे हैं हमारे द्वारिकापुरी जा रहे हैं बच्चा। अरे द्वारिका जा रहे हैं हाँ, तो फिर तो आपको हुंडी बनवानी पड़ेगी। मदद कर दो, क्योंकि भीड़ लुटेरे चोर डाकू सब मिलते हैं, आप सब जानते हैं हाँ, पर आप सुनते हैं धन का संग्रह क्यों कर रहे हैं? अरे अरे धन के ऊपर नाग बन के बैठे गरुड़। अरे चुप भैया, किसी भक्त ने दी है वो मुद्राएं, हम जाकर के वहाँ भगवान का भोग लगाएंगे, द्वारका के संतों को ब्राह्मणों को कुछ। समझ गया मैं आपको बताता हूँ, विचार कर लेता हूँ किसको बताया जाए। अरे हाँ, नरसिंह मेहता को इस झमेले में उलझाओ, क्योंकि यहाँ रात दिन संत मंडली के साथ हल्ला करता रहता है, ना सोता है ना सोने देता है, हमारा जीना हराम कर रखा है इसने। तो संत भगवान, यहाँ एक बहुत बड़े नगर सेठ रहते हैं, बहुत बड़े, और द्वारका क्या, बहुत दूर दूर तक देश विदेशों तक उनका हुंडी का व्यापार चलता है। तो आप उनसे हुंडी लिखवाइए, उनका हुंडी का कार्यभार चलता है द्वारका धाम तक, तो यहाँ वो हुंडी बना देंगे आप द्वारका। उसका नाम क्या है बच्चा, उसके घर तक जाएंगे तो? हाँ, सेठ नरसिंह मेहता। क्या है ना? सेठ नरसिंह मेहता कहाँ रहता? ये नगर से बाहर एक कुटिया बना के रहता। इतना बड़ा सेठ कुटिया में? अरे तू नहीं जानता सीताराम। हाँ गुरुजी जानते हैं। बात समझो, बड़ा सेठ है, झोपड़ी में रहता है। पूछो क्यों? आजकल आयकर वालों का सबको डर रहता है। हाँ, और फिर ऐसे भी लोग अपने आप को छुपाए रहते हैं। देखो भैया, धन्यवाद सज्जन पुरुषों। धन्यवाद तो है गुरुजी हाँ। पर एक निवेदन कर दूं कि वो इस झमेले से दूर रहते हैं। अच्छा, सहजता में आपकी हुंडी लिखेंगे नहीं। अरे भाई, 700 रुपया हमारे पास में। अरे आपके लिए ही तो 700 रुपये बहुत है महाराज, उनका तो लाखों करोड़ों का व्यापार चल रहा है। हाँ, लाखों करोड़ों, तो 700 रुपये की हुंडी बनाएंगे नहीं। एक बात बताओ रोहित जी, अब जब लाख दो लाख हमारे पास में, हम क्या गुरुजी को बेच दे? तब हमको बिकेगा तो गुरुजी को बेचना व्यर्थ है, इस उम्र में इनको कोई खरीदेगा लेगा? बेटा कोई मूल नहीं है, अब कौन लेगा बताओ? अब तो जीवन गुरुजी को आपके ही यहाँ रहना है। तो उपाय बता दो भैया। उपाय यही है कि आप हट पर जाना, हट पर जाना। अरे योग हट है क्या? पर जाना हट, हट ठान देना। अच्छा, और जब आप हट ठान दोगे तो भक्तराज नरसिंह विवश हो जाएंगे, हुंडी बना देंगे, आपका कार्य हो जाएगा। हट कैसे ठाने? हाथ जोड़ के कि लंबे पड़ के? ये तो आप चेला गुरुजी के हैं ना, ये समझाएंगे आपको कैसे ठानना है, कब ठानना है। मतलब पैर पकड़ने पड़ेंगे उसके? हाँ, पैर पकड़ लेना, पैरों में गिर जाना, गिड़गिड़ाना, जो आप कर सको वो करना। गिड़गिड़ाना? हाँ, ये कर चुके हैं पहले, इनको सब पता। अरे हम तो गिड़गिड़ाते मर भी गए हैं कई बार। कई बार और हाँ 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 ठीक है, पर आप चले जाओ और अच्छा, हो जाएगा आपका। धन्यवाद, अब आप अपना प्रश्न मुक्त करो। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ठीक है, कितना सुंदर भगत मिला है, बोल रहा है गिड़गिड़ा के हम कई बार मर चुके और भड़बड़ा के फिर उठ भी चुके। अरे आजकल संसार है भैया, अपने मतलब की बात पूछ लो, बाकी चलो उधर कृष्ण मुख करो। तो देखो ऐसा सीताराम जी, कि अब हम चल रहे नरसिंह मेहता के द्वार पूछते पूछते जी, लेकिन जो कह रहा था ये भगत कि न माने तो हाथ जोड़ना और ना तो पांव छूना, पांव पकड़ लेना। तो बेटा तुम पांव पकड़ना है, काम बन जाए बस। अच्छा, मैं पकड़ू और क्या हम पकड़े? ऐसे लगोगे तो आप ही अच्छे पैर पकड़ते हो। अभी तुमको बस छोटा राम से सटकार देंगे बेटा, अब तुमको शर्म नहीं आएगी? अच्छा, तो आपके सामने मैं उसके पैर पकड़ूंगा, आपको शर्म नहीं आएगी? हमको काहे शर्म आएगा? देखो गुरु जी, मैंने राम जी को छोड़ के और आपको छोड़ के किसी के भी आज तक चरण नहीं पकड़े। आप ऐसा करना, आप सेठ के पकड़ लेना, मैं आपके पकड़ लूंगा। बेटा सीधा सेठ ही के पकड़ ले, बीच में काहे को गुरु जी को लगा रहा? नहीं नहीं, हम सेठ के पैर नहीं पकड़ेंगे इतने। अरे हम हाथ जोड़ देंगे, तुम पांव पकड़ लेना। इतने थोड़ी गिर गए आपकी तरह तो सेठ के पैर। अरे तो चलो।
संतों को एक दुर्जन ने नरसिंह जी का नाम बता दिया। संत भगवान नरसिंह जी को पूछते पूछते उनकी कुटिया की ओर चले जा रहे हैं। नरसिंह जी अपनी कुटिया में प्रभु स्मरण कर रहे हैं। हे जी मारा नटवर लाल कुमारा गिरधर लाल मैं थारो नचायो नाचूरे हरा नटवर लाल हरा गिरधर देखो भगत जी ये नरसी सेठ है कहीं? नरसी सेठ सेठ महाराज जी नरसी सेठ तो मर गया। सीताराम जी पूछना कहाँ नरसी सेठ? वो बोल तो रहा है मर गया, जहां जहां आपके चरण पड़ेंगे वहां पे ऐसा ही पट्टा ढाल होगा। तो भैया कितने लेने करके एक तो सेठ मिला था आने से पहले उसको भी मार दिया। तो अभी अभी महाराज दिन हो गए सेठ नरसी तो मर गया। यदि दास नरसी से कोई काम हो तो इस शरीर को लोग नरसी कहते। देख लो सीताराम तुम भी अपने नाम से कैसे जाने जाते और वो भी अपना नाम कैसे बताते हैं। ये भावना है, अच्छी बात है। सेठ सेठ नहीं कह रहा है अपने आप को, दास कह रहा है। और तुम हो दिन भर घास काटते हो लेकिन तुम में दासता नहीं आती। हम भी सीताराम दास ही। अच्छा ठीक हो लेकिन कहते नहीं हो। लेकिन ऐसा है भगत जी हमको द्वारकापुरी जाना। आप बड़ भागी हैं जो भगवान के स्थावर संगम जंगम तीर्थों के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। देखिए भगत जी कठिनाई तो कोई है नहीं, साधु का क्या, यही काम है भजन करो भगवान का, दर्शन करो भगवान के नाम में, कहीं ना कहीं अपने संतन की संगति में रहो। लेकिन कठिनाई ये है कि कुछ मुद्रा हमको किसी भगत ने दे दी, अब उन मुद्राओं के भय से हमको ये सांस अटक रही है कि हम वहां द्वारका पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। कोल भील किरात लुटेरे जंगल पड़ते हैं आप जानते हैं, तो हम इसलिए आए हैं सेठ जी हुंडी बना दीजिए और धन ले लीजिए और हम द्वारका में जाके आपकी गद्दी से ले लें। हुंडी हुंडी महाराज मेरे यहाँ तो हुंडी पर्ची का काम होता नहीं। जब से भाई बंसी धरजी से मैं अलग हुआ मेरे हिस्से में जो धन संपत्ति आई सब मैंने साधु सेवा में खर्च कर दिया। अब तो मैं आपकी तरह हूँ, कहीं मिल जाता है तो खा लेता हूँ, नहीं मिलता है
तो अपने सामरिया का नाम लेकर के पड़ा रहता हूँ। ओनली पर्चे का काम नहीं। बच्चा जो कह रहा था ना, वो सज्जन जो मिला था कह रहा था कि छोटी मोटी रकम, छोटी मात्रा का धन ये सेठ स्वीकार नहीं करता, इसलिए हमको टहला रहा है। अरे सुनो भगत, कम नहीं है धन, पूरा 700 है। महाराज जी 700 हो या 7000 हो, जब मेरे यहाँ होंगी पर्चे का काम ही नहीं होता तो मैं आपकी हुंडी कैसे बनाऊं? मैं तो द्वारका में किसी को जानता भी नहीं हूँ, फिर किसके नाम से हुंडी? हे भगत, तुम्हारे द्वार पर साधु आया है, ऐसा ना करो भाई, कृपा कर दो, भगवान का दर्शन हो जाएगा तो तुम्हें को भी कुछ पुण्य मिलेगा। बना दो भाई बना दो, हमें पता है कि तुम्हारा कारोबार बड़ा है, तुम लाख दो लाख से नीचे हाथ नहीं डालते हो। अब लाख दो लाख कहां से लेके आए? अब क्या करें बच्चा, लगता है किसी भूत ने इन साधुओं को मेरे बारे में अनर्गल बातें कह दी। साधु तो बड़े भोले हैं, उसकी बातों को सत्य मान रहे। भगवान मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, मेरे यहाँ हुंडी का काम। अरे हम सब समझते हैं बच्चा, देखो हमारा जीवन भी ऐसे ही नहीं गया, संसार देखा, दुनिया देखी है हमने। अच्छी बात है, अपने आप को छुपाए रखो, बड़े लोगों की बड़प्पन की अपने मुख से कही हुई बड़ाई बड़ाई नहीं होती, दूसरे लोग बड़ाई करे तो बड़ाई होती है। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से कब कहे, लाख टका मेरो मोल। तो आप हीरा है, अपने मुख से थोड़ी कहे भाई, कुछ कहो सीताराम। हाँ हाँ, आप हीरा है, हमारी पीड़ा को मिटाई। हाँ पीड़ा मिटाओ भैया, हुंडी बनाई। महाराज जी मैं कैसे हुंडी बनाऊं, जब मैं आपसे कह रहा हूँ मेरे यहाँ हुंडी का काम नहीं होता, मैं किसी को द्वारका में जानता नहीं जिसके नाम हुंडी लिख दूं, मैं कैसे हुंडी बनाऊं? चले सीताराम, ये सेठ तो मान नहीं रहा है। नहीं मान रहा है ना, तो पैर पकड़ लो। हाँ ये तो अंतिम दाव था, यही नहीं चला, और वो भगत ने जो कहा था बिल्कुल वो लिखेंगे नहीं, तो लिखवाने के लिए चाहे हाथ जोड़ना पड़े चाहे पांव पकड़ना पड़े। तो बेटा करिए करिए प्रयास करिए, अब हम ही पकड़ेंगे। तो कहा हम पकड़ेंगे? चला तुम हो तो नहीं रखने लायक, गरु तुम भी रखने लायक नहीं है। भैया देखो आपके द्वार पर से देखो बूढ़ा साधु हाथ जोड़ रहा। हाथ मत जोड़िए महाराज, मैं सत्य कह रहा हूँ, मेरे यहाँ हुंडी का काम बना दो भाई बना दो। देखो ये हमारा चलवा भी कह रहा है, ये सीताराम भी बोल रहा है बना दो। मुझे क्षमा करो भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? ये सावधान, ये क्या हो रहा है? मैं इनसे मना करता मगर संत मेरी बात को नहीं मान रहे और ये हट कर रहे हैं। क्या करूं मैं? मना करूं मानत नहीं, संत रहे
हट करने लगे तो नरसी जी हुंडी लिखने लगे। मैं द्वारका में सिवाय आपके और किसी को नहीं जानता, ये साधु हट कर रहे हैं, इसलिए सवरिया मैं आपके ही नाम से हुंडी लिख रहा हूँ, आप इस हुंडी को स्वीकार करना। महाराज जी। हाँ जी। कितने पैसे हैं? 700 रुपया है। हाँ, भगवान कृपा तो कर रहे हैं। ये हुंडी मैंने लिख दी है, उस सेठ का नाम भी बता दो। जहाँ द्वारका नाथ का मंदिर है, मंदिर के नीचे ही सेठ सामरिया शाह की गद्दी है। आप द्वारका में किसी को भी पूछ लेना, सेठ सामरिया शाह की गद्दी कहाँ है, वहाँ ये हुंडी दे देना और अपना पैसा ले लेना। मंदिर के नीचे गद्दी है? पैसा दे, मतलब मंदिर के पास ही। अच्छा, मैंने समझा मंदिर के ही नीचे। अरे मंदिर ऊपर होता ना, सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता। पैसा दो मेरो राजा। आप पैसा भी ले जाओ महाराज। पैसा लटपट काम नहीं करता है साधु भगत, जो पैसा लिखवाया पूरा तुमको देंगे, ये सब लटपट काम नहीं। बस काम करा लिया और पैसे भी नहीं दिए। ठीक है सीताराम भगत, तुम्हारा भला हो, कल्याण हो, चलो बच्चा। चलिए चलिए, ये रखो। नरसिंह, ये साधुओं का पैसा है मेरे नाम से, द्वारका में इनको कोई फूटी पाई भी देने वाला नहीं। अब यदि इस पैसे को मैं अपने ऊपर खर्च करूंगा तो पाप का भागी बनूंगा, इसलिए इस पैसे से मैं संत सेवा कर देता हूँ, आगे जो मेरी सांवरिया की इच्छा। मेरो राधा रमण भगवान कृपा से आ तो गए द्वारकापुरी। सोच रहे हैं पहले वो हुंडी का काम ही कर लिया जाए, पैसा होगा तो कुछ भगवान को भी भेंट करेंगे, फिर व्यवस्था बनाएंगे कि साधु ब्राह्मणों को कुछ जुमा। तुम पहले कभी आए हो यहाँ पे? नहीं। तो फिर कैसे पहचान लिया हम आ गए? हम तो चलते ही जा रहे, कोई भी नजर पड़ेगा उसी को बोल दोगे क्या? अरे बेटा अब ये समझ लो, हम थक गए तो आ ही गए, तो बस समझो अब आगे नहीं चल पा रहे हैं, तो इसके आगे कहाँ जाएंगे? पूछते हैं किसी से। अरे नहीं, क्या पूछते, तू पूछता कर रहा है। अरे ये पूछ, सांवरिया सेठ कहाँ है, उसकी गद्दी कहाँ है, है कि नहीं द्वारका में? चल अपने आप पूछ लो। हुंडी तो तुम्हारे पास है तो हम क्या दिखाएंगे उसको? तो हुंडी मेरे पास में, सेठ भी मेरे पास में था क्या? अरे किसी को बच्चा, जैसे वो लाए थे पकड़ के जूनागढ़ में, ऐसे यहाँ ढूंढो किसी को, कोई बता। अरे तुमको बुला रहे मोटे वाले भाई साहब। सेठ तो है मोटा। अरे सेठ वैसे भी मोटा है, पैसे में भी मोटा है। आओ बच्चा, सीताराम आनंद में रहो। नीचे झुक करके कर, यहाँ से क्यों कर रहा है, घुटने तोड़ेगा क्या? क्या नाम है? उधर पहुंच जाओ। डर क्यों रहे हो? हम कोई मारेंगे नहीं, ये ऐसे नहीं डर रहा है, ये इसलिए डर रहा है, सेठ है ना, कि ये साधु चंदा मांगने वाले तो नहीं है। अरे चंदा नहीं मांगने आया भैया, कुछ भाई पता पूछना, कार्यक्रम करा ही रहे, क्या हो सकता है पर्ची काट दे। अरे भैया नाम क्या है आपका? अरे नाम पूछ रहा हूँ, तू माल को इधर उधर कर रहा है, कारोबार बता रहा। नाम बताओ।
ये तो सफल मटर पानी में डलवा के ही छोड़े। अरे ये ऐसे आदमी को लाए तो बोलता नहीं है, शर्मिला है बच्चा, शर्म। अरे शर्मिला नहीं है बेटा, ये सब बहुत सावधान है लोग, किसी को लाओ पकड़ के, फिर लाओ पकड़ के। अरे तो पता तो पूछना पड़ेगा, देखो ये महाराज आ जाओ, आओ, ये अपने आप ही आ रहे हैं। सीताराम पूछिए। बोलो क्या पूछना है। कहाँ रहते हैं आप ये बताइए। द्वारकापुरी में। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। नाम क्या है। राजेंद्र। काम क्या करते हो। अरे काम क्या करते हो भैया। मैं काम, मैं काम, मेरा काम, मैं का भी काम है कोई। मेरा काम है अचार का और मुरब्बे का। अचार और मुरब्बा। सीताराम जी, अरे इनको तो हमने कहीं देखा भैया, एक बार गए थे कहां पर, जिंद वहीं तो थे ये राजेंद्र। ऐसा है, अचार तो हमने ले लिया, अब 5 किलो मुरब्बा और भेज दे। पहले पिछले पैसे आन दो भाई। आन दो भाई पहले पैसे कौन दे वे। ऐसे तो सेठ मिलते हैं, साधुओं से पैसे मांगेंगे सर। अरे तो काम की बात कर सीताराम। यहाँ पर सेठ सावन साह की गद्दी है। बिल्कुल है। किधर है क्यों बताएं। है तुम यहाँ से जाओ, कौन से जन्म का बदला ले रहे हो, बता दी है बता ही नहीं रहे हो, कदम कर दिया। अरे जिसको पता हो बता दो, उसको भी बता नहीं रहा, पता है बता है तब तो तुम ढूंढ के ला दूसरा। मैं तो ऐसे ही ढूंढता रहा हूं। भैया जी आप बता दो। अच्छा पूछो महाराज, क्या पूछ रहे हो। सेठ सावन साह की गद्दी है यहाँ पर। सावन साह की गद्दी। हाँ इस नाम का कोई गद्दी नहीं भैया, ऐसे मत कहिए पंडित जी महाराज, हमारा पैसा वहाँ जमा है। ये जब है ही ना घर का जबरदस्ती बना। अरे नहीं पैसा तो दिए है ना वहाँ। कहाँ। जूनागढ़ में। किसको। वो एक सेठ था, साधु जैसा लग रहा था लेकिन। सेठ नरसिंह मेहता, उसके यहाँ से उंगली लिखवा के लाए। आपका पैसा गया। पैसा गया कि सेठ गया। नहीं पैसा गया। और वो सांवरिया सेठ कहाँ गया। वो तो यहाँ कोई है ही नहीं इस नाम से। खबरा पैसा सीधा। वो नरसी पा गया। तुमको पहले मना किया था वहां मत ले चलो हमको, तू मानता है नहीं, बस खुद बर्बाद कर देगा ना। तो पैसा ही तो गया है, तुम क्यों जा रहे हो पैसे के। पैसे के लिए तो अब तक जी सकते थे और 2-4 वर्ष जी जाते, अब नहीं जी पाएंगे बेटा, बस यही समुद्र में संस्कार कर देना। अरे नहीं नहीं पैसा नहीं, सेठ नहीं मिला तो हम। अभी 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 मत जाओ, रुक जाओ, पैसा ही तो गया है, चलो समुद्र किनारे चलते हैं, वहां पर विश्राम करते। सेठ क्या समुद्र पर मिलेगा। अरे सुबह रणछोड़ लाल के दर्शन करके वृंदावन निकल जाएंगे, हम नहीं रुकेंगे द्वारका। अब कैसे जाएंगे। वो भगत नहीं था, पूरा ठगत था। अरे वो तो भगत था, पर आप ही कह रहे थे नहीं, हीरा मुख से ना कहे तेरा 8% का मोल। अरे तो पैसा काहे लिया, वो पैसा काहे लिया हमारा, जब पैसा भगत था तो पैसा काहे लिया। जब मना कर रहा था क्यों दिए, पहले तो चोर खा जाएंगे मुझे, डाकू लूट लेंगे। अरे वो भी भगत नहीं था, डाकू ही। अपना पैसा तो डुबाया, साथ में हमारा भी डुबा दिया, अच्छे गलू मिले। तो तुम तो गुरु हो ना, तुमको तो दुगनी दक्षिणा मिलती है ना। तुम्हारा तो 1500 रुपया इसी मिलती है। पूरा 650 रुपया घूम गया हमारा। तुम भी डूब जाओ। अरे भगवान का दर्शन करो, चलो अब पैसा तो गया का है भैया, जो हो गया सो। आइए आइए, भगत नहीं था वो। आइए आइए, ले लिया साधु का पैसा। नरसी जी
वह प्रभु से विनती कर रहे हैं। इधर द्वारका में संत सावन साहब की गद्दी खोद रहे हैं। नरसिंह जी की टेर सुनी द्वारका नाथ ने कि मेरे भक्त नरसिंह ने हुंडी लिखी है और संत सावरिया साहब की गद्दी खोज रहे हैं, तो आप स्वयं सेठ का भेष बनाकर और संतों को खोजने के लिए निकल पड़े। थे तुम हमारे पीछे चलते थे, अब पैसा लुट गया, लुट लिया उस सेठ ने, हम पीछे रह गया हूं, तू आगे जा रहा है। वजन घट गया ना पैसे का, चिंता भी चली गई, तो हम तो आगे आगे चलो। अरे सुनो, पैसा का बड़ा महिमा है बच्चा, आइए आप लेट जाइए। स्वामी जी थे वो साधु नरसिंह जी के यहाँ से हुंडी लिखवा करके द्वारका के लिए लाए थे, परंतु हमें 3 दिन उनको खोजते खोजते हो गए, अब तक तो वह मिले नहीं हैं। तो ऐसा करते हैं, एक फेरा नगर का और लगा के आते हैं, यदि वो 2 साधु मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो उस पैसे का संतों का भंडारा करा देंगे। चलिए, भगत का नाश होगा सीताराम। 2 साधु जूनागढ़ से, हुंडी, पैसा, सेठ, ए गरुड़, सेठ सेठ का नाश हो जाएगा, पैसा नहीं है, सेठ आने से। अरे आप व्यक्ति इतना क्रोध क्यों कर रहे हो, पहले तो मेरा प्रणाम स्वीकार करो। हाँ बच्चा ठीक है, किसको ढूंढ रहे हो, किसको? अरे दो साधु, आप ही हो क्यों? जूनागढ़ से नरसिंह मेहता हुंडी, पैसा पैसा आप ही लाए। अरे पर्चा तो दिखाइए, पर्चा का पैसा। अरे सेठ जी को मैं बुलवाता हूँ। तुम सेठ नहीं हो? अरे मैं तो उनका छोटा सा सेवक हूँ। चमचे हो, चलो सेठ को बुलाओ, चमचों से बात नहीं करते हम। प्रभु, जिन साधुओं को आप खोज रहे हो वह साधु यही विराजे हुए हैं। क्या कहा, यही है? हाँ प्रभु। अच्छा तो बात है। सीताराम, ये सेठ तो ऐसा लगता है जैसे हमारे गुरुजी की सेवा में जो गोपाल जी बैठे रहते हैं, एक बार उनको देखो और एक बार इनको देखो, अपने गोपाल जी में अरुण को ये इसका चमचा तो बोल रहा है सेठ। अरे चुप, ऐसे मत बोलो सेठ के सामने, अभी पैसा नहीं मिला है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये सेठ नहीं, ये तो सारे जगत का सेठ। बात कर लो, काम का बात। सेठ जी, अरे तो भगवान आप ये बताइए, आप ही वो साधु? अब पैसे के लिए आगे जा रहा है, कुछ पुनर की तरह उछल रहा है। आप ही वो 2 साधु हैं जो नरसिंह जी से हुंडी बनवा कर? सेठ जी, आपको सब समस्या मालूम है, जंगल पड़ता है, द्वारका नाथ का दर्शन का इच्छा था, वो सेठ हमको मदद किए, पर ढूंढने पर आप नहीं मिले तो हमको भी कुछ न कुछ हमारी पानी से निकल गया होगा, क्षमा कर देना भाई। से ढूंढ रहे थे, आप भी आज जाके मिले। आप हमको ढूंढ रहे हैं? हाँ जी।
काहे नहीं ढूंढ पाए सेठ को भाई। तो ये द्वारका के इस कोने पे हम उस कोने पे ये घूम के वहां पहुंचते। अब तो टकरा गए। आप अब ऐसा कीजिए, हुंडी दिखा दीजिए और हमसे वो पैसा ले लीजिए। हुंडी? हाँ हाँ पैसा। ए सीताराम बेटा, वो हुंडी पुर्जी कहाँ? वो पुर्जा तो आपके पास में होगा ना, सेठ ने आपको दिया था। हमारे पास कहाँ है बच्चा? कहाँ नहीं है, तुमको ही दिए थे। मेरे को दिया? हाँ हाँ। पहले सेठ नहीं मिल रहा था, पर्चा नहीं मिल। जल्दी से ढूंढ, सेठ निकल जाएगा। अरे बात है, का है तो उसको खोल ले। दूसरे का कंबल भी ले आया। गुरुजी का कल्याण उस भंडारे से पहले तू हमारा अंतिम संस्कार कर दे, तभी तो भंडारा होगा। अरे पहले ही कर लेना, पीछे मर जाऊंगा। तो मार मार के क्यों मार रहा है? देखो ऐसा सेठ के सामने बेइज्जती को खड़ा मत करो। बना पर्ची ला। मुझे जवाब ऐसे क्लोज कर दो ना। घर से ले आते कि चलो बेटा चेहरा बताओ, मालपुआ और खीर खिलाएगी और यहाँ पे लग नहीं नहीं खीरा नहीं। छोड़ के चला जाऊंगा बरखंडी नाथ मंदिर, वहां पे पनीर बनाए मिलेगी। अरे तू बरखंड में जा, झारखंड में बेटा, कम से कम पर्ची को तो दे जा। पीछे से आएगा तो पैसा ले जाएगा तू, मैं रह जाऊंगा। पर्ची को ढूंढ खुदे बच्चा। रकम लिख रहा है भैया उसमें, ठीक से पढ़ना। कोई बात नहीं है, इसमें 700 रुपया लिखा है। हाँ तो आप ऐसा कीजिए, इन संत भगवान को इनके 700 रुपए तो दे ही दीजिए और हमारी ओर से 200 रुपए और दे दीजिए। हाय सेठ जी, ये नहीं, हमको जितना लिखा उतना ही दीजिए। नहीं नहीं आप, हम तो ये कह रहे थे 2-4 रुपए उसमें रख लीजिए। नहीं नहीं आप अपना पूरा पैसा ले लीजिए, हम आपको स्वेच्छा से 200 और दे रहे हैं। साधु भंडारा करना है हमको, क्या करना है? हाँ तो हमारे पैसे से दक्षिणा बांट दीजिए। बांट देंगे बांट देंगे बांट देंगे, पूरे है ना? पूरे 900 है। हाँ चमचों की आदत खराब होती है, बीच में मार देते हैं गड्डी में से। संत भगवान अब आपके पैसा आपको मिल गया, आप अपना हस्ताक्षर कर दीजिए। नहीं ये अपना पेन नहीं चलाएंगे भैया, ये कलम भी तुम्हारी चलाएंगे। क्या कर रहे हो, मेरी आंख फोड़ोगी क्या? हाँ तो नहीं, तेरे ऐसे हस्ताक्षर कर देंगे जो ब्रह्मा के लेखे को भी मेट जाएंगे। अच्छा ठीक है, ढंग से पकड़ो। पढ़े लिखे कोई जमान थोड़ी है तेरी, चले को पार कर दे, आर पार कर दे। अब आप हमें एक बात बताइए, आप यहाँ से जब लौट के जाएंगे तो जूनागढ़ होते हुए जाएंगे क्या? हाँ सांवरिया जी, हम जाएंगे क्योंकि मार्ग भी वही है और नरसिंह जी का धन्यवाद भी करके जाएंगे, उन्होंने हमारी सहायता की, आपने हमारा धन भी दिया और अधिक दिया, तो उसके लिए तो धन्यवाद तो बनता ही है। हाँ तो आप क्या हमारा एक छोटा सा कार्य कर देंगे? अवश्य, आप जो कहेंगे सो। आप बता दीजिए छोटा क्या है, बड़ा भी कर देंगे, काय मतलब।
आप हमारी ये पत्रिका गर्सी जी को दे दीजिएगा और उनसे हमारा एक छोटा सा संदेश कह दीजिएगा। उनसे कह दीजिएगा कि सिद्ध सी पत्री लिखी द्वारका सो सावल शाह नरसी को मेरी नित राम राम बाचना गादी ढूंढ वे मैं जो संतन को देर भई अतिशय विलंब हेत करूं क्षमा याचना सब विध कुशल यहाँ कोश में ना कमी कछु हुंडी लिखवे में करियो मन काचना नयो नाम देके मुकु चोर ते बनायो शाह छूटो मेरो छची आभर छाछ पीपी नाचना। आप उनसे सर्वप्रथम मेरा प्रणाम कहिएगा और उसके पश्चात उनसे कहिएगा कि आप लोगों को हमारी गादी ढूंढने में जो विलंब हुआ उसके लिए क्षमा याचना। अरे नहीं 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 सर। और आप नरसी जी से कह दीजिएगा कि उनका तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है, उन्होंने तो हमको नया नाम दे करके चोर से शाह बनाया है और इसके बदले यदि नरसी जी तीनों लोगों की हुंडी भी लिख देते तो हम उसको भी चुका देते। ये पहले चोर चोर करते होंगे, चोरी चोरी क्यों सीताराम? खुद बता, सेठ की सेठ के सामने बोलो। मैं पूछ रहे, सेठ बन गया ना, अब नहीं करेगा चोरी? चोर चोर के पैसा इकट्ठा कर लिया, अब जगत सेठ बन गया। उसका भगत का ही पैसा लाया होगा ये, और जो वहां पे वो चार जामा है। वैसे मेरा मन कर रहा है क्या कि मैं आपकी कंठी तोड़ करके सेठ का चेला बन जाऊं। हाँ बेटा, जहाँ पैसा देखे, जहाँ देखे भरी परात वहीं बिताए, है ना? पूरी रात? हाँ हाँ, वो तो समझ रहे हैं। अच्छा सेठ जी, चलते हैं। जय गोपाल जी, जय गोपाल जी, जय गोपाल। धन है सेठ जी। हो नंद के नंद लाल राधे की सावरिया। ये पर्ची लो, इसको भी रखो। ये पर्ची हमसे खो जाती है। सावरिया का पत्र है, देना पड़ेगा बेटा। और पूरे द्वारका में झरा भंडारा कराओ, है ना? और आनंद से खूब पंगत की जय जयकार सीताराम कराओ। मैं सभी को निमंत्रण फेर के आता हूँ। बस तो हम भंडारे में जाता हूँ। हाँ हाँ। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ओ तेरा नाम लिया, तेरा नाम लिया। भंडारे में बनेगा काली रोटी और सफेद दाल। हंसने की बात नहीं है, गहराई की बात है, उसको समझो। मालपुआ और खीर तो सभी को आमंत्रण है, कल आएंगे भंडारे में। और एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, अपने घर पे कुछ बनाना नहीं और बिना बुलाए आना नहीं। सच मेरा पुकारी जब गिरधर गोपाला बना दिया विश्वको अमृत का प्यारा, कौन मिटाए उसे जिसे तूने रख दिया। वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राधे रानी सरकार की, बोल श्री प्रखंड महादेव की। ये जो कार्यक्रम आपने देखा, ये
31 तारीख से शुरू हुआ था और आज समापन की ओर है। आज की जो रात्रि है वो इस कार्यक्रम की अंतिम रात्रि है। अगले साल फिर बहुत अच्छा करवाने का प्रयत्न करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने नहीं आते, काम बहुत करते हैं, सेवा बहुत करते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि मैं अपना कहीं पर नाम कराऊं। ऐसे ही हमारे बीच हैं हमारे इस क्लब के मार्गदर्शक श्री श्याम बिहारी जी जिंदल, प्रधान मनखंड महादेव सेवक सभा जी। एक बार सभी जोरदार तालियां बजाएंगे उनके लिए। कुछ मजबूरियों की वजह से इस साल में हमें कम समय दे पाए, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और क्लब का सम्मान छीन ग्रहण करें। आदरणीय श्री वेद प्रकाश जी, उसी मार्गीय संस्थान वृंदावन, सीताराम जी, इनके तीसरे भाई का नाम सीताराम जी, घनश्याम जी एवं समस्त रासलीला मंडल, हर वर्ष की बात है ये हमारे यहाँ मनखंड महादेव में रासलीला का प्रोग्राम करते हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से और बड़ी शुद्धता से। शुद्धता तो खैर गिरिराज में है ही है, ब्रजमंडल में यही एक मेन चीज है जहाँ शुद्धि का प्रवास होता है। और इस प्रोग्राम को हमारे जींद शहर से श्री राधा कृष्णा रासलीला मंडल के द्वारा आयोजित किया जाता है। श्री मेन इसमें जो डायरेक्टर हैं राजेंद्र जिंदल जी और इनके साथी सहयोगी श्री संजय मंगला जी, पवन गर्ग जी, चिनू जिंदल जी, रमेश आसरी जी, महेश वर्मा जी और राकेश बंसल जी, इनके द्वारा ये प्रोग्राम का आयोजन करवाया जाता है। ये जो क्लब है बहुत ही मेहनती है और हमारे यहाँ जो मंडी में रासलीला रामलीला होती रही है, युवा रामलीला क्लब रामकृष्णा क्लब जी, मंडी वाली रामलीला का भी हमारा एक इतिहास रहा है, क्योंकि ये कलाकार भी स्वयं हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से इनके इन जो रोल होते हैं, ख़ास तौर पे हमारे राजेंद्र जिंदल जी हैं, रावण का रोल तो शायद हरियाणा की बात छोड़ो हो सकता है और भी कई स्टेटों में इनसे अच्छा रोल करने वाला कोई हो ना, बड़े अच्छे ढंग से इनके द्वारा प्रोग्राम किया जाता है। सभी सदस्य व्यापारी वर्ग से संबंध रखते हैं, एक पैसे का इनका लेना देना तो छोड़ो, अपने घर से सारा लगाते हैं और मेहनत करते हैं और प्रोग्राम को बढ़िया से बढ़िया सफल ढंग से आयोजन करते हैं। इनका धन्यवाद कीजिए कार्यों के साथ। आज के हमारे मुख्य अतिथि सुरेश गोयल जी हमारे कांग्रेस के अलका जीन के नेता भी हैं और बड़े बिजनेसमैन हैं दिल्ली से, आज वो आए हुए हैं, उनका मैं अपनी ओर से धन्यवाद करता हूं। और साथ में हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री जगदीश चंद्र जी शर्मा जी, श्याम गार्डन जिनका है, श्याम गार्डन अपना सब जानते हैं शहर में, और हमारी जो प्राचीन गौशाला है उसके अध्यक्ष भी हैं पंडित श्याम लाल जी के लड़के, वो भी आज मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अधिक विलम्ब न करते हुए मैं अनुरोध करूँगा श्री सुरेश कुमार जी गोयल जी से,
जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं वो आए और क्लब का प्रतीक चिन्ह ग्रहण करें। ये वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और बहुत बड़े उद्योगपति हैं, हम इनका यहाँ आने पर हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करते हैं जो इन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। और सुरेश गोयल जी की एक खास बात है कि शहर की बहुत सी धार्मिक संस्थाओं में इनका भरपूर योगदान रहता है। आज राधा कृष्ण रासलीला मंडल जींद के प्रत्येक पदाधिकारी और हर सदस्य का हमें आभार प्रकट करना चाहिए। सेवादार आभार प्रकट करना चाहिए कि ऐसे शानदार धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया है जिससे समाज में वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और उस सकारात्मक ऊर्जा के बल पर ही हम एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और मैं मेरे जैसे श्रद्धालु को आज यहाँ आने का मौका मिला, मैं सारी कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और नतमस्तक होकर नमन करते हुए भगवान श्री वल्लखड मंदिर के दरबार में अर्जी लगाता हूँ कि भगवान इस क्षेत्र के तमाम लोगों की झोलियाँ खुशियों से भरे। और मैं नमन करना चाहता हूँ वेद प्रकाश जी भारद्वाज जी को जिनके सानिध्य में सोलह कलाओं के भगवान की रास लीला का चित्रण किया गया और भगवान श्री कृष्ण जी से बड़ा व्यक्ति तो संसार में कोई भी नहीं। आज जो मैं इस पवित्र स्थान पर आकर अपने आप को बड़ा गर्वित महसूस करता हूँ और सभी श्रद्धालु और अतिथिगण आज बहुत ही धन्य है कि इस पवित्र स्थान पर आकर के भगवान श्री कृष्ण जी के ने जो संदेश दिया कर्मों का उसको सकारात्मक करते हुए उनको उनके पद चलनों पर चलने का काम करें। भगवान श्री कृष्ण जी ने हमेशा न्याय का साथ दिया, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और हमें भी समाज के अंदर अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, अन्याय का विरोध करना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए। आज जो भगवान श्री कृष्ण जी ने पांडवों का साथ दिया और कौरवों का संहार करवा, क्योंकि पांडव अपने रास्ते पर सच्चे थे। और मैं तो भगवान श्री राधा कृष्ण जी के बारे में कहना चाहता हूँ, राधा के नाम के रस में तन मन भीग जाता है, राधा का नाम सुनकर सांवरिया भी जीत जाता है। चाहे भक्ति का मार्ग हो चाहे दुखों का चक्कर व्यूह हो, राधा का नाम लेने वाला हर परिस्थिति में पार जाता है। और भगवान कृष्ण जी राधा जी से इतना प्रेम करते थे और प्रेम में कहते थे कि प्रेम में कोई छोटा नहीं होता, ना कोई बड़ा होता, ना मान होता ना अपमान होता, जो इसमें जितना ज्यादा झुकता है उसका उतना ही ऊंचा स्थान प्राप्त होता है। और मैं तो हमारे श्याम भैरी जिंदल जी को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हमारे अंकल ने आंटी ने जो है श्याम भैरी नाम रखा और बड़े सौभाग्यशाली हैं। कार्यक्रमों का आयोजन होता रहना चाहिए और हमारे समाज के लोगों पर ऐसे ही खुशियों की बरसात करवाते रहो।
ये मेरी जो है भगवान श्री कृष्ण जी से हाथ जोड़कर अर्ज करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय राधे। आज के जो हमारे माननीय अतिथि हैं श्री सुरेश गोयल जी, अपनी नेक कमाई में से 31,000 रुपए की राशि हमारे क्लब को भेंट स्वरूप दे रहे हैं, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। श्री जगदीश चंद्र शर्मा जी, ओनर श्याम गार्डन जी, ये भी आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये डॉक्टर चंद्र मोहन जी जो सिविल हॉस्पिटल में हैं, सिविल सर्जन हैं, बड़े ही अच्छे इंसान हैं। मेरे पोते के तकलीफ हो गई थी, एक बार दिखा कर आया था, दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल ओके हो गया। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, श्री जगदीश चंद्र जी, जगदीश चंद्र शर्मा जी, ओनर श्याम गोल्डन जी। हम इनका यहाँ आने पर एक बार फिर हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज के जो हमारे प्रसाद जिन्होंने ठाकुर जी का लगाया है, श्री अनिल कुमार जी गर्ग, श्री अनिल कुमार जी गर्ग, सुपुत्र स्वर्गीय श्री रामोतार गर्ग, नगुरा वाले काट मंडी से, अगर वो मेरी आवाज़ सुन रहे हों। श्री विनोद गर्ग जी, राजेश टेडर जी, विनोद गर्ग जी, राजेश टेडर जी, इनका भी हमारे इस कार्यक्रम के आयोजन में भरपूर योगदान रहता है, एक बार सभी तालियों से स्वागत करेंगे। श्री विजय गोयल जी, विजय ज्वेलर्स जींद वाले श्री विजय कुमार गोयल जी, श्री विजय कुमार गोयल जी, इनका भी हमारे इस आयोजन में बहुत ही ज्यादा सहयोग रहता है। हमने कभी भी इनको कितनी भी पर्ची काट के दे दी, इन्होंने ये नहीं कहा कि भाई कितनी काट दी, जो काट के दे दी वो हमारे को मिल गया। श्री विजय कुमार जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, सभी जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। हमारे यहाँ जो ये लाइट साउंड की व्यवस्था आप देख रहे हैं, इसको बड़ी अच्छे ढंग से जिन व्यक्तियों के नेतृत्व में किया गया, श्री सुमित शर्मा और अमित शर्मा, सुमित शर्मा, अमित शर्मा, ये जो सुंदर लाइट आप देख रहे हैं, साउंड देख रहे हैं, ये सब इन भाइयों की देन है। श्री बालाजी टेंट हाउस जसवंत सैनी, श्री बालाजी टेंट हाउस जसवंत सैनी, इन्होंने जो भी ये टेंट का काम है यहाँ पे किया हुआ है, गद्दे हैं, मैट है, स्टेज है, ये सब इनकी ही देन है। और सबसे बड़ी खास बात क्या है इनकी, सबसे बड़ी खास बात बताऊं क्या है इनकी, आज तक हमने इनसे कभी भी कोई काम करवाया है कभी पैसे की खोल नहीं की है, कभी भी। श्री राम रतन जी गर्ग, श्री राम रतन जी गर्ग, ये हमारे मेंबर ठाकुर सेवक पवन गर्ग जी के पिताजी हैं और गौ सेवा में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। ये जो गोकुल धाम गौ सेवा समिति और चरण पादुका सेवा समिति है, उनके प्रधान जी मेरी आवाज सुनते हो तो एक बार मंच के पास आ जाएं ताकि आगे की लीला जल्दी प्रारंभ हो सके। श्री प्रवीण गर्ग जी, जो यहाँ पे आप जल की सेवा देख रहे हैं, इसको कर रहे हैं श्री प्रवीण गर्ग जी। श्री गोकुल धाम गौ सेवा समिति एवं चरण पादुका समिति,
मैं एक बार फिर बनखंड प्रधान श्री श्याम बिहारी जिंदल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने हमारे हर प्रकार से तन मन धन तीनों प्रकार से बहुत सहायता की और हमारा मार्गदर्शन किया और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम करने के लिए हमें प्रेरित किया। आज इन्हीं की प्रेरणा है जो हम इस कार्यक्रम को प्रेरित कर पा रहे हैं। एक बार सभी जोरदार तालियों से श्री श्याम बिहारी जी जिंदल प्रखंड महादेव सेवक सभा प्रधान जी का हार्दिक धन्यवाद। क्या नाम है भाई? अशोक गर्ग जी प्रधान, गोकुल धाम चरण पादुका सेवा समिति, आओ जी आओ सभी आ जाएं। एक बात और मैं कह देता हूं अंत में, इस कार्यक्रम आयोजन के दौरान 8 दिन के अंदर किसी भी हमारे मेंबर से ठाकुर सेवक से किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला होता है और कई बार गुस्से में पता नहीं क्या बात हो जाती है। किसी को शोर अच्छा नहीं लगता, किसी को कोई बच्चा शरारत करता अच्छा नहीं लगता, गुस्से में कह भी दिया जाता है। हम उसके लिए अपनी क्लब की ओर से सभी से हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं। मैं एक और आदमी का यहाँ पे अभिवादन करना चाहूँगा जिन्होंने शुरू से आखिर तक पूरी रासलीला को बड़े अच्छे ढंग से देखा, श्री महेश सिंगला जी। महेश जी आए और अपना प्रतीक चिन्ह ग्रहण करें। श्री महेश जी प्रधान महाराजा अग्रसेन सदावर जी। महेश जी हमने उल्टा दे दिया बाद में कमाल कर दिया जी, आपका अधिकार बनता है तो देते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे महेश जी के लिए। सबसे पहले आते हैं सबसे पीछे जाते हैं। एक बार खास बात है, इनकी चप्पल भी चप्पल वाला बंदा पकड़ा के जाओ भाई, 107 नंबर रह गया भाई। धन्यवाद। तो हम जो यहाँ दर्शक के रूप में आनंद ले रहे हैं, हम सब ने इस कमेटी का करना चाहिए जो 8 दिन से हम यहाँ जो है आनंद ले रहे हैं। सभी हाथ उठा करके एक बार इनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, ताली बजा करके सभी जी का जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। बोल वृंदावन बाके बिहारी लाल की। और कोई भी माता बहन सज्जन किसी भी प्रकार की भेंट लेके आए हैं तो जिगर यहाँ पे दे दे। आज की जो लीला है वो अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं ताकि बीच में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। बोल श्री बरखंड महादेव की। नरसिंह सेठ जी की पुत्री है रामाबाई अंजार ने मनसा सेठ की पुत्र के लिए ब्याही है। रामा की पुत्री है नानी बाई, उनका विवाह होने का अवसर आया तो रामा अपने मायके जाने की इच्छा रखती है कि जाकर के मैं अपने पिता के यहाँ भात नोत करके आऊं। और उनकी जो सासू माँ है वो बड़ी ही करमसा स्वभाव की है। रामाबाई अपनी सासू के पास चली दादी माँ के समीप में चलती हूँ क्योंकि मेरी पुत्री नानी बाई का विवाह निकट आ गया है और जिस दिन से मेरा विवाह हुआ है मैं कभी अपने पिता से मिली नहीं। कितना आनंद आएगा, मैं अपने पिता के समीप जाऊंगी, उनसे मिलूंगी।
ना जाने कैसे होंगे वो। मैं सासू माँ के संगीत में चलती हूँ। दादी माँ प्रणाम। कहो क्या बात है, आज सवेरे सवेरे मेरे ऊपर कृपा हो गई, क्या बात है। श्री राम जय राम। दादी माँ, नानी बाई का व्यवहार निकट आने वाला है। मेरा विचार था कि मैं अपने पिताजी के यहाँ जाऊं भाग नोतने के लिए। अच्छा, तो जाएगी अपने पिताजी के यहाँ भात नोतने। अच्छी बात है, पर तेरे पिता के पास है क्या, और क्या लेकर के आएगा वो भात में है। अरे रामा जरा सोच, तू जाएगी तेरे साथ में तेरी देवरानी जेठानी वो जाएंगी, हो सकता है एक आध सहेली मेरी भी चली जाए, और जब उनको वहां कलेवा भी करने को नहीं मिलेगा तो कैसी नाक कटेगी हमारी। कि ये है मनसा सेठ जी के समधी, बात नौकरी जाएगी रक्षा तेरे बाप के पास जो लेकर के आएगा है। इतना तो करवा दो, एक पाती ही लिखवा दो। इतना तो करवा दो, एक पाती ही लिखवा दो। नाली और मित्र पठा दो, बाबुल को खबर धरा दो। नाली और मित्र पठा दो, बाबुल पे खबर करा दो। दादी माँ, मेरे पिताजी निर्धन हैं, इस कारण हित में उनके समीप नहीं जा सकती। कोई बात नहीं, किंतु कम से कम एक कुमकुम पत्र का तो मेरे बापू के यहाँ भिजवा दो दादी माँ। एक कुमकुम पत्र का ब्राह्मण और नाई के हाथों मेरे पिताजी के घर तक पहुँचवा दो दादी माँ। अच्छा, तो तू बताएगी हमें। हाँ, तू समझदार हो गई है, ज्यादा ज्ञानवान हो गई है, तू बताएगी क्या हम क्या करेंगे। सास मैं थोड़ी हूं, मैं तो तेरी बहू हूं, तू सास है मेरी है। श्री राम जय राम। जय जय राम। घोर कलयुग आ गया है, घोर कलयुग। अब ये बता रही है कि हमें क्या करना है। देख रामा, मुझे ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है, ये जो सफेद हुए ना बाल ऐसे धूप में नहीं हुए, ये अनुभव से हुए हैं। मुझे जो करना है मैं कर लूंगी, तो जा घर में, घर का काम देख। और कुछ नहीं तो पत्रिका भिजवा दो, मुझे भात तोपने के लिए भेज दो। क्या है उस नरसी के पास जो भात लेकर के आएगा, समझ में नहीं आता। पर पत्रिका तो भिजवानी पड़ेगी, सेठ जी को बुलाती हूँ। अरे नाई के, अरे बेटा छत्ती सा। सेठानी जी प्रणाम। प्रसन्न रहे। कहिए सेठानी जी क्यों बुलाया है। क्यों तुझे बुला नहीं सकती, तू कोई राजा धीराज है, तू कोई महाराज है जो तुझे बुलाने के लिए मुझे किसी से पूछना पड़ेगा। क्यों बुलाया है, कोई काम था। अरे काम होगा तभी तो बुलाऊंगी, बिना काम के क्या करूंगी तेरा। बात भी आपकी सही है सेठानी जी। जा जाकर के सेठ जी को बुला के ला, गलती से बोलना सेठानी जी बुला रही है। ठीक है अभी जाता हूँ। धनवानों का मान जगत
जब बुलाते तब नहीं आते। हाँ तो आपको बुला रही है, शीघ्रता से चलिए। कभी कह दो कि आपकी बार नहीं जाएं। नहीं नहीं जाना तो पड़ेगा। और नहीं गए तो फिर घर में नहीं रहने देंगी। हाँ चलो। अरे भगवान ये भजन हो रहा है, इतना भजन बढ़ गया है। भजन करते करते भजन के बहाने बैठी रहती हो, खड़ी रहा करो, को चला फिरा करो। आप आ गए? हाँ। सेठ जी, वो आज आपकी पुत्र वधू है ना रामा? हाँ हाँ। वो आई थी? आई का घर में होगी, आपके पास आई होगी। हाँ हाँ, मेरे पास ही आई थी। तो ये कह रही थी कि वो नानी भाई का विवाह है, मैं अपने बाबुल की यहाँ भात नौतने चली जाऊं। जाना ही चाहिए, इसमें क्या बात है। जब घर में विवाह है, उत्सव है, तो सभी संबंधियों को, रिश्तेदारों को आना ही चाहिए, और जो नियम है वो निभाना ही चाहिए। उसे अपने पिता के घर भात निमंत्रण के लिए जाना ही चाहिए। अच्छा। हाँ हाँ, अच्छी बात है। हमारी बहू को कम से कम इतनी समझ तो है, आप तो याद ही नहीं रखती, उसको याद तो आ गया समय पर। या तो बहू में समझदारी है या तुम में समझदारी है, हम तो सब मूर्ख ही रह रहे हैं इस घर में। समझदारी का पेड़ तुम्हारी बुद्धि में से उपजेगा है? है? पेड़ कहां से उपजा? राम जय राम, जय जय राम। अरे जरा सोचो, रामा भात कौटने जाएगी, उसकी दोराड़ी जिठानी जाएगी, कोई और भी आस पड़ोस की जा सकती है, और वो नरसी वो खुद मांग मांग करके खाता है। अब जब उनको जाकर के वहां पे सम्मान भी नहीं होगा, कलेवा भी नहीं मिलेगा, तो क्या क्या नाम धरेंगे? हमारी नाक नहीं कट जाएगी कि ये है मनसा सेठ जी के संबंधी? अरे भगवान, जिनके पास धन नहीं रहता क्या संबंध समाप्त हो जाते हैं? रिश्ते थोड़ी बिगड़ जाते हैं। आज नहीं है उसके पास में तो कोई बात नहीं, है तो हमारा रिश्तेदार ही। देखो सेठ जी, आज है वहां राज है, और था या नहीं था ये पीछे की बात है, अब तो उसके पास कुछ भी नहीं है। अरे कुछ तो करो, ऐसे नहीं होगा भाई, आना ही पड़ेगा, रिश्तेदार को बुलाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए तो तुमको बुलाया है कि क्या करें? अब क्या करें, व्यवस्था करो, कुछ लिखो, पत्र लिख दो। और ऐसा करते हैं, एक पत्रिका लिख करके और डाई ब्राह्मण को भेज देते हैं। हाँ ये ठीक, आ जाएगा तो ठीक है, और नहीं आएगा तो उसके बिना शादी नहीं रुकेगी। ना आने की बात क्यों कर, आएगा, आना चाहिए। बेटा जी, पंडित जी को बुला के ला। जी अभी। अरे पंडित जी, अरे पंडित जी कहाँ आओ, आइए, सेठानी जी बुला रही हैं। हाँ पंडित जी, आज सेठानी जी बुला रही हैं आपको। अरे आज सवेरे सवेरे तुम्हारा मुंह देख लिया। हाँ आज कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो। दक्षिणा मिली है मोटी। अच्छा। हाँ जो क्या कुछ कथा वथा होगी क्या? पता नहीं, कोई विशेष कार्य होगा, चलो वहीं पता चलेगा। जय श्री, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आज्ञा कर, कथा करानी है सत्यनारायण की या? आप तो करते नहीं हैं। अच्छा, गरुड़ पुराण वचना है, कौन सुधार गए इनके पिताजी? पंडित जी। हाँ बस आते ही वो पंडिता ही प्रारंभ कर दी ना आपने। पंडितों का काम केवल दक्षिणा को देखना कैसे मिलेगी है? हाँ कुछ और भी काम होते उनको भी कर लिया करो। अच्छा पंडितों के कुछ और भी काम होते? हाँ अब वो काम हमें नहीं पता, वो तो आप ही। ऐसा है। हाँ एक वो कुमकुम पत्रिका लिखवानी है। कुमकुम पत्रिका लिखवानी है? हाँ। अच्छा उसके लिए बुलाया है उसको? तो आप बुलाया है, अच्छा किया है आपने बुलाया है, बहुत अच्छा किया है। हाँ तो अपनी कलम दावत संभाल लो। हाँ और सेठ जी जरा लिखवा दो, क्या लिखवाना है? अब ऐसा है सेठानी जी, आपको तो जब तक जीना है तब तक सीना है, ये काम आप ही करवाओ, फिर हम कुछ लिखवा देंगे तो तुम ये कहोगे ये नहीं लिखवाया। लिखवा लिखवा। देखिए मैं लिखवा तो दूंगी पर बीच में बोलना मत।
या तो आपको लिखवानी हो तो आप लिखवा दो, लिखने से मैं लिखवाऊंगी तो फिर मैं ही लिखवाऊंगी, और आपने बीच में अपनी ये जिज्ञासा खोली ना तो खींच लूंगी बात। अच्छा बिल्कुल, चलो भैया नहीं बोलेंगे काहे को जी खिंचवाए। पाती लिख दे कितनों को बांधोगे कलावा हाथ में बांधने के लिए इतना सा टुकड़ा होता है। अरे पूछ तो लो कितना काहे लिखवा रहे, हम बोलेंगे हमारी जीव खिंच जा। दस मन रोली लिख दीजिए। दस मन रोली रोली, अरे तिलक करोगे कि होली खेलोगे। बात ये है सेठ जी, इतने रिश्तेदार आएंगे नातेदार आएंगे, सबका तिलक करना पड़ेगा, सबको कलाया बांधना पड़ेगा, अब हम क्या लाएंगे, जब बात आ रहा है तो उसी में आ जाएगा सारा। हमको तो अपनी जिबा बचानी है। आगे आगे के में क्या लिखा? दस मन कलावा, दस मन रोली, दस मन नहीं पच्चीस मन, पच्चीस मन, पच्चीस मन कलावा, पच्चीस मन रोली। पंडित जी हाँ लिख रहे हो? हाँ लिख दिया, लिख दिया। पच्चीस मन था अच्छा, और दस मन रोली थी। हाँ ठीक है, लिख दिया, अब याद रखना। हाँ आगे, हाँ आगे, 2000 गज कपड़ा लिख दो, 2000 गज कपड़ा लिख दो, 100 मेवा की बोरी पाती लिख दो जी, पाती लिख दो जी। और पंडित जी ज्यादा तो क्या लिखवाऊं, ठाकुर जी का दिया हुआ सब कुछ है हमारे यहाँ, भगवान की तरफ से कोई कमी तो है नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, आप ऐसा करो 2000 गज कपड़े का थाल, 2000 गज हाँ, और वो जो महमूदी वाला होता है ना वो अच्छा। वो वाला 2000 गज कपड़ा महमूदी लिख दो और 2 गज कपड़ा सफेद लिख दो। अरे और अरे 2000 गज की सीमा होती है? अरे जी ये हाँ। वही बात आ रही है, फिर ये कहेंगे कि हम हाँ। बोल रहे हैं सेठ जी, सही कह रहे हैं। वैसे तो चिंता मत करिए, वो 3 गज जो लगता है ना उसका तो इंतजाम हम कर लेंगे आपके। अब तो 1 गज में कर लेंगे। और नखते सीख लो गहना लिख दो, नखते सीख लो गहना लिख दो, 1,25,00,000 की वो कड़ी पाती लिख दो जी, हमारे माती लिख दो जी। और पंडित जी क्या लिखवाऊं मैं? हाँ मेवा की 100 बोरी, 100 बोरी काजू, 100 बोरी बादाम, 100 बोरी लाइट, इतना नहीं इतना नहीं, 10-10 बोरी लिख दीजिए, 100 मेवा की, 100 मेवा की, 100 बोरी 1 बोरी बस। अच्छा और सुता के लिए नख, जानते हैं नख और सिख? हाँ हाँ, और वो भी सोने का हो, उसमें वो होते ना क्या कहते हैं वो हीरा पन्ना हाँ, वो लगे हाँ, वो तो अच्छी बात हाँ, है, हीरा पन्ना तो सादा भी हो तो भी चल जाए। हाँ हाँ हाँ, और हमारे पिताजी ने जब भात भरा था तो फिर क्या दिया था, याद भी है बेचारे? वो नहीं है उसके पास, कहाँ से लाएगा? हमारे पिताजी आपके यहाँ भात भरने आए थे? अरे कहीं तो आए थे, कभी याद भी है? देखो पिताजी ने तुम्हें मैं दी थी, मैं। अच्छा ठीक है, जिस दिन मैं इस घर में आई थी उस दिन चौक में बैठ के मूंगफली बेचते थे, और आज पूरे शहर में मनसा सेठ जी का नाम है नाम। अरे ये चरण जब से यहाँ पड़े है ना हाँ। ये मंगल चरण हाँ। जब से ये तुम्हारे भाग्य में लक्ष्मी आई है, नहीं तो ऐसे भटकते रहते हाँ।
मूंगफली बेचते रहते, ज्यादा से ज्यादा अचार बेच लेते, और क्या करते भैया। अब अचार बेचे चाहे मुरब्बा, तब मूंगफली बेच, कुछ न कुछ तो बेच रहे हैं, ये बेचना छूट जाए। हाँ पंडित जी, हाँ जी, नक्शे सिक्का गहना, हाँ और वो थाली में जो डालते हैं रोकड़ी, हाँ रोकड़ी 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 कितनी, ज्यादा तो क्या लिखवाना है, 1.25 लाख लिख दीजिए। 1.25 लाख की रोकड़ी, हाँ 1.25 लाख। समय को पहचानो भगवान, समय देख लो। और मैंने तो जो लिखवाना था वो लिखवा दिया, ठीक है ठीक। आप बहू के पास चले जाओ, रामा के पास कुछ रह गया होगा तो रामा बता दे, ठीक है अभी जाओ। आ जाओ, आपके लिए ना वो गन्ने का रस मंगाया है, वो पी लेना। और वो नारियल का रस कौन पिएगा? गन्ने का रस पियो, उससे ठीक रहोगे। अच्छा, कड़वा आते है ना वो दूर हो जाएगा। और वो मधुमेह जो बहु रामा, बहु रामा, पंडित जी रामा के समीप पहुंचे कि तुम्हारी दादी माँ ने यह सब सामग्री लिखवाई है। पंडित जी भी जानते हैं कि उनके पिता के पास इस समय कुछ नहीं है, उनका उपहास करने के लिए यह सब लिखाया जा रहा है। बेटी तुम्हें मालूम है तुम्हारी सासू जी ने पत्रिका लिखवाई है भात की, तो जो कुछ आपकी इच्छा हो, जो मंगाना चाहती हो आप बता दो, मैं लिख लूंगा। पंडित जी ये मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हैं, ये दादी माँ कुमकुम पत्रिका मेरे पिता को कोई सम्मानित करने के लिए नहीं, अपितु उनका अपमान करने के लिए ये कुमकुम पत्रिका जा रही है। मेरे पिता निर्धन है, उनके समीप कुछ भी नहीं है देने के लिए, जब था तो उन्होंने बहुत दिया, अब नहीं है तो ये इतनी भात की सामग्री वो कहां से जुटाएंगे। पंडित जी आप इस कुमकुम पत्रिका में मेरी ओर से बस दो पत्थर लिख दीजिए, जिन पत्थरों को मैं अपने सर से मार के मर जाऊं। नहीं नहीं, और ये विनती कर देना मेरे पिताजी से, जितनी सामग्री कुमकुम पत्रिका में दादी माँ ने लिखवाई है ये सब सामग्री एक साथ जुटा सकते हैं तभी यहाँ आए, अन्यथा अपनी और मेरी हंसी कराने के लिए यहाँ ना आए। रामा इतना अधीर होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान सबके साथ है, और जो सच्चे भगवान के भक्त हैं भगवान उनका संग उनका साथ कभी नहीं छोड़ते, और देखना मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भात भरा जाएगा बहुत उत्तम ही होगा, चिंता मत करो। मैं लिख रहा हूं, भगवान कौन हरे मेरी कहूं
बहू क्या है, साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी। अरे पत्थर लिखवाए इसमें लक्ष्मी की क्या बात वो है? मैं भूल गई थी ना लिखवाना, दो पत्थर लिखवाए हैं ना, उसके नीचे लिख दो एक सोने का एक चांदी का। एक सोने का एक चांदी का। हाँ, क्या होगा इसका? है पंडित जी, मैं जिस पत्थर के ऊपर बैठ के नहाती थी वो टूट गया है। अच्छा। अब जब भात आ रहा है तो समझी लेके आ रहा है, तो मैं भी सोने चांदी के पत्थरों पर बैठ के नहाया करूंगी। श्री राम, जय राम, जय राम। हो गई पत्रिका पूरी? हाँ। अब आप ऐसा करिए, आप इसको ले जाइए संग में नायिके को। कहाँ ले जाऊं? और ये पत्रिका जाकर के नरसिंह जी को दे आइए। हम जाएंगे और कौन जाएगा? अच्छा ठीक है, हम अगर जाएंगे तो रास्ते के लिए कुछ व्यवस्था तो करो, कुछ लड्डू वड्डू बनवा दो, पूड़िया बनवा दो, जिससे बैठ करके कहीं खा लेंगे, पानी पी लेंगे। पंडित जी, हाँ, आप तो सात्विक व्यक्ति हैं। सात्विक तो और क्या है। हाँ। मैं अभी आपके साथ में लड्डू बांध के रख देती हूँ, पूड़ी सब्जी सब कुछ रख देती हूँ, पर आप शाम तक भी उनको बचा नहीं पाओगे, खराब हो जाएंगे। इस समय क्या है, इस समय खेतों में चने का साग आता है, तो कहीं से भी चने का साग तोड़ना है पानी में धो करके, और नमक की जरूरत पड़े तो किसी गांव से मांग लेना, ऐसे ही पहुंच जाओ। जरूर पहुंच जाए। श्री राम, जय राम, जय जय राम, जाइए। अब हाँ बिल्कुल बिल्कुल दे करके आइए। हाँ चलो पंडित जी चलो। अरे क्या चले, मेरी हंसी करे तो ये मेरी नहीं, तेरी हंसी।
सावरिया, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं जो मैं इतना धन लेकर के बेटी की ससुराल जाऊं। मैं ये पत्र का आपके ही श्री चरणों में अर्पित कर रहा हूं। अब आपको जो कुछ करना है आप वो करना। जय हो सावरिया। अरे नरसी, तू तो अपने ही रोने में लग गया। ये अतिथि तेरे द्वार पर आए हैं, इनके भोजन का प्रबंध तो कर। पंडित जी, हाँ हाँ, अब हम चलते हैं। नहीं, आप बैठिए, मैं आपके भोजन का प्रबंध करता हूँ। भोजन का प्रबंध? नहीं, ऐसा है, इस नगर में ना हमारे जजमान है, वहाँ चले जाएंगे। महाराज, मैं गृहस्थी हूँ, बाबा जी नहीं हूँ। अच्छा। गृहस्थी का धर्म होता है उसके यहाँ यदि कोई अतिथि आए तो उसे जैसा रूखा सूखा हो वैसा भोजन अवश्य करें। ठीक। नरसिंह, घर में तो अन्न है नहीं। ठीक है, खेतों में बथुआ उगा हुआ है, मैं बथुआ तोड़ लाता हूँ, उसे उबाल के नमक मिर्ची मिला करके भाजी बना के इनको खिला दूंगा। जो मेरी सामर्थ्य की इच्छा, मैं क्या कर सकता। ओ भगवान, कौन हरे मेरी की नरसिंह तो खेत में बथुआ लेने चले गए। आओगे? हाँ, देखियो नरसिंह जी के पास कहा है, कछूर आए हैं, और हमारे जो सेठानी जी है इतनी बड़ी पत्रिका लिख के भेज रही है। बताओ वो कैसे हाथ भरेंगे इतनी बड़ी। अरे कुछ ना कुछ व्यवस्था होगी। होगी, और तुम्हारे तो जिजमान ने थोड़ा भोजन मिला था, वो भी नहीं करने देते हो। हैं जिजमान के द्वारका नाथ नरसी के जो अतिथि आए हैं दाई ब्राह्मण, उनके स्वागत के लिए स्वयं आप पधारे, यहाँ भोजन थाल लेकर के भगवान की जय। मेरे भक्त नरसी के यहाँ नाई और ब्राह्मण आए हुए हैं, उस बेचारे पे तो उनको खिलाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो मैं ही उनके लिए भोजन लेकर के चलता हूँ। करुणा सिंधु है नाम तुम्हारा, कब दोगे मुझे सहारा। जय गोपाल जी। श्याम सुंदर यदुवी का सबसे छोटा मुनीम हूँ। सबसे छोटे मुनीम? हाँ। यानी कि आप से ऊपर और भी हैं? अरे हमसे ऊपर तो अभी 17 मुनीम और हैं, मैं तो 18वां हूँ। 17 मुनीम? तुम 18? हाँ। अरे देख ले नाउके। हाँ। मुनीम जी के ये ठाट। हाँ। और नरसिंह जी वही बारे बात है, हम तो नरसिंह जी ये कछु हो रही समझ रहे। हाँ। अरे नरसिंह जी जितने जमीन के ऊपर है ना, बाप तो ज्यादा जमीन तो नीचे घुसे बने। वही तो बात। आप ऐसा कीजिएगा, भोजन करिएगा। हाँ। और ये पात्र और भेंट आपके लिए। आप भी बड़े अच्छे हैं। एक बात रह गई ना होगी। हाँ, कह दो तो रह गए। सब कुछ पूछ लिया। हाँ, पर हमने नाम नाम नहीं पूछा, ये बात। अरे ये बताओ, आप इतने सुंदर हैं तो आपका सुंदर सा नाम क्या है? ये मेरा नाम है सांवरिया। हाँ, सांवरिया, इतना सुंदर नाम है आपका, और उतने ही सुंदर आप। अच्छा, एक बात बोलूँ आपसे। हाँ जी, बोलिए। देखो, हम आए यहाँ कुमकुम पत्रिका भाग की लेकर के। ठीक है, नानी बाई का विवाह होने वाला है तो आप उसमें जरूर आना। अब वो तो नरसिंह जी के ऊपर है, जिसको लेके आएंगे वही तो जाएगा। नहीं, नहीं, हम नरसिंह जी से बोल देंगे। आप बोल दीजिएगा, जरूर लेके।
भैया आपको आना है, जरूर आना है, कोई आए चाहे ना आए, आपको आप ज्यादा कह रहे हो, किसी जी से कह दीजिएगा आना जरूर है। हाथ में क्यों लूंगा, हाथ में नहीं बर्तन मतलब। हाँ ऐसा देख, हाँ नाई की हम है ब्राह्मण फिर, और तू है नाई फिर, जो दान की वस्तु कोई हो ना तो कोई और, जैसे नाई है कोई और जात है तो वा को अधिकार दान की वस्तु पे नहीं है, दान की वस्तु पे अधिकार केवल ब्राह्मण को ही हो और ब्राह्मण को ही दान की हो जाए। तो ये जो चांदी के थाल आए हैं और ये दुशाला आई है तो ये तो सब मैं रख लूंगा। अच्छा ठीक है, क्योंकि ये दान की वस्तु है। अच्छा, तो लग रही है भूख तो दो, एक की जगह दो लड्डू ले लें और दो मैं अपने दे दूं, चार खा। सुनो पंडित जी, पंडित लोग काउ को हक ना खावे, मेरे हक की थारी तो मैं ले लूंगा। हाँ राजी राजी और गैर राजी। तू दान की वस्तु को यदि ले तो नरक को जाएगा। अरे ना जाना जी बता दे। अच्छा हाँ मैं तो लूंगा। हाँ चलो नरसी भाजी तैयार है, मैं अतिथियों को भोजन करा दूं। पंडित जी महाराज, यदि आप अपने साथ भोजन लाए थे तो इसको मेरे घर से जाने के बाद करते, यहाँ तो आपको वही खाना चाहिए जो मैं परोसता। ऐसा है नरसी जी, पहले हम आपको पहचान नहीं पाए थे, अब हम आपको पूरी तरह से पहचान गए। देखिए ये जो है थाल आया है भोजन का, ये हमारा नहीं, ये आपने ही हमारे लिए भेजा। मैंने? हाँ, और अब कह रहे हो कि ये कहाँ से आए? महाराज मैं कहाँ से भेजा? अरे आपका मुनीम आया था। मेरा मुनीम? हाँ, और आपके एक मुनीम नहीं है, 18-18 मुनीम है आपके। मेरे ऐसे कौन सा काम होता है जो मैं मुनीम रखूंगा? अब हमें क्या पता। अरे वो 17 नंबर का मुनीम था ना, वो आया था। अरे 18वें नंबर का था। 18वें का? हाँ। अच्छा वो नाम बता रहे थे। हाँ, नाम था उसका, वो सामरिया। नहीं कि आकर के अपना काम भी समझती, ब्राह्मण नाई को भोजन भी करवा गए और मुझे पता तक नहीं। पंडित जी अब आप बेटी रामा से कह देना वो किसी प्रकार की चिंता ना करे, अब उसका भात उसका ये गरीब पिता नहीं, वो जगत सेठ सांवरिया ही पड़ेगा। उस सांवरिया ही एक बात बोलनी थी आपसे, आपके जो मुनीम आए थे ना उनको लेके जरूर आना। मैं क्या लाऊंगा, वो ही मुझे लेके आए। हाँ, वो बहुत सुंदर है। ठीक है प्रणाम। चलो नरसी अब अपने पड़ोसियों से परिवार वालों से कहता हूँ कोई मेरे साथ चलने को तैयार हो जाए तो उन्हें ले चलता हूँ, और यदि कोई नहीं चलेगा तो अकेले ही चलेंगे जैसी समझ। नरसी जी मेरे सब द्वारका नाथ के ऊपर ही छोड़ दिया, जैसी उनकी इच्छा होगी जो वो करेंगे वो हमारे लिए अच्छा ही होगा। लगन हरी से लगा बैठे जो हो ही संतों के दर्शन हुए।
परिवार वाला तो कोई चल नहीं रहा था साथ, ये साधु आ गए हैं, कोई अपने साथ नहीं। जय हो महाराज की, प्रणाम। ये नरसी आपको प्रणाम कर रहा है। अरे भैया नरसी। हाँ सुधा जी। पंगत का समय हो रहा है, साधु लोगों को भूख लग रही है, तो क्या व्यवस्था है? इस समय तो मैं पुत्री का भात भरने के लिए जा रहा हूँ। भात नहीं खाएंगे, चकाचक खीर खाएंगे। ऐसा है, मैं खाने वाले भात की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी जो पुत्री है उसकी पुत्री का विवाह है, मैं वहाँ पहराव नहीं करने जा रहा हूँ। आप लोग मेरे साथ चलो, रास्ते में मांगते खाते चलेंगे और वहाँ तो खूब मिठाई खाने को मिलेगी। तो भैया ऐसा है, अब हमारी तो आप स्थिति देख ही रहे हो, पैदल उतनी दूर चल नहीं पाए, कुछ गाड़ी घोड़े का प्रबंध करो भाई। देखो एक मेरा मित्र है परसी, मैं उससे बात करता हूँ, उसकी एक टूटी सी गाड़ी बूढ़े से बैठ है, वो मिल जाएंगे तो उसी में बैठ के चले चलेंगे। आ जाओ, चलो चलो चलो, किधर चलो? कहाँ फंस गए महाराज? संतों की मंडली मिल गई है नरसी जी, उनको एक पुरानी सी बैलगाड़ी मिली, उसमें संतों को बिठा कर और प्रभु नाम उच्चारण करते हुए चल दिए। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, ये रेतीला मार्ग है, बूढ़े बैल पुरानी गाड़ी, गाड़ी को खींच नहीं पाए, अब यहाँ तो कोई दूर दूर तक देख नहीं रहा है। आप सब लोग मेरे साथ मेरे सामरिया का कीर्तन करो, इस विपत्ति के समय वही हमारी सहायता कर सकते। मेरा नाम कृष्णा है, और मैं जाति से खाती हूँ। हम नहीं जाएंगे गाड़ी में। क्यों, किसमें जाओगे? अब हाथी पे जाएंगे। कहाँ है हाथी? कृष्णा बोल रहा है ना कि मेरा हाथी है। अरे हाथी नहीं, उनकी जाति खाती है। खाती जाति की जाति खाती। भैया आप तो गाड़ी हल ये सब बनाते हैं, तो हमारी भी गाड़ी टूट गई है। आपकी गाड़ी टूट गई है? हाँ, तो मैं अभी बता दूंगा। टूट गई है। नमक तो थोड़ा सा नमक बैलों को भी दे देना। चलो गाड़ी बन जाएगी, अब गाड़ी में बैठ के चले तो मेरी बिगड़ी बना दो। गाड़ी बन गई, बैठ लेना। कृष्णा आप कहाँ जा रहे हैं? अंजार के लिए जा रहा हूँ। अंजार, हम भी वहीं जा रहे हैं, हम गाड़ी हाँकना नहीं जानते, आप गाड़ी हाँकने चलिए। देखिए
ये बात ऐसी है, मैं गाड़ी को तो ले चलूंगा हाँ। पर आप सब अपने अपने नेत्र बंद करके बैठा, मैं गाड़ी बहुत तेज चलाता हूँ। तो हम क्या बंद करेंगे, हमारे तो पहले से ही बंद है। मैं आपसे नहीं कह रहा था भगवान, ब्राह्मी सुखदास जी ब्राह्मी। अरे बचवा कहाँ है? और स्वयं द्वारकानाथ गाड़ी को हाँक करके ले गए। जिन बैलों को हाँका उन्होंने देह त्याग करके देव स्वरूप धारण कर लिया प्रभु की कृपा से। और यहाँ बगिया में समस्त संत जन बैठे हैं। नगर के बाहर प्रभु नाम उच्चारण कर रहे हैं। सीताराम 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 बोले सीताराम सीताराम सीताराम। सभी मनसा सेठ जी की नाहे बगिया मुहारने के लिए आए। सीताराम ना है जी। सेठानी जी बात पूछो पूछो
तू और तेरा वो नायिका जो है हाँ? दोनों जुड़वा पैदा हुए थे क्या? पता नहीं, ये तो कनेक जैसी मिलती है ना दोनों की। हाँ तो हो सकता है सेठानी जी। सुनो सुनाओ, तैयारी कर लो। काहे की? भाती आ गए। भाती आ गए? हाँ। क्या लेके आए हैं? क्या लेके आए? भाती आपके लेके आए 16 सूरदास, कंठी माला, चंदन और क्या लाए गए? ये उनके पास से लाए हैं। भरो बात। क्या कहा? बाबा जी आए हैं? हाँ। इनको कहीं रास्ते में कोई तालाब कुआ वो नहीं मिला? उसमें कूद जाते, कम से कम यहाँ भोजन का खर्चा तो बचता। अरे कूद कैसे जाते? भात भरने के लिए तो आपने बुलाया है। भात भरने के लिए आए? जा तू रामा को बुला। हाँ मैं अभी बुलाती। भात लेके आया है? भात रानी सोले सूरदास ले आया है। बहुरानी जी आओ आओ। बहुरानी महारानी, वो तुम जा रही थी ना अपने बाबुल को भात नोतने के लिए, तो बाबुल आ गए हैं तुम्हारे? मेरे पिताजी आ गए। हाँ, तुम्हारे पिताजी आ गए हैं, भात लेके आए और उसमें नौलखा हार लेके आए हैं, तुम्हें पहनाएंगे। जा बगिया में ठहरे हुए मिला आपने बाबुल से। भगवान कौन हरे Thank you.
हुआ, 18 अक्षौणी सेना मर गई, पर उस भरी चिड़िए के अंडे नहीं फूटे। किसने रक्षा की? मेरे सांवरिया ने ना। और जब उस गज का तिल भर सूर ऊपर रह गया था, तब उसने मेरे सांवरिया का आधा ही नाम पुकारा था, और मेरे हरि गरुड़ छोड़ करके आए और रहा से उस गजराज के प्राण उबारे। वही सांवरिया आज मेरी और तेरी दोनों की लाज रखेगा, दोनों का सम्मान रखेगा। तू चिंता मत कर, मेरा सांवरिया ही तेरा भाग रहेगा। तू जा जी, सांवर साहब भी आ जाएंगे ना? अवश्य आएंगे बेटी, मैं उनके विश्वास पर आया हूँ। वो नहीं आएंगे तो तू नहीं, तुझसे पहले ये नरसी मर जाएगा। नहीं पिताजी, आपको भैया सामर साहब पर विश्वास है और एक पुत्री को अपने पिता पर विश्वास है। यदि समय पर सामर साहब भैया आ गए और भाग संपूर्ण सकुशल पूर्ण हो गया, तब तो कोई बात नहीं। और यदि सामर साहब भैया नहीं आए पिताजी, तो मैं आपसे सत्य कहती हूँ, मैं किसी सरोवर में कूद के प्राणों का त्याग। बेटी, मरते तो कायर हैं जो मेरे सांवरिया के दास हैं, जिन्हें उन पर विश्वास है, वो मरते नहीं है। उनकी लाज उस सांवरिया बचाता है। सांवरिया सुन रहे हो ना? तुम रामा क्या कहती है? ये तुम नहीं आए तो मेरी पुत्री सरोवर में जाकर के अपने प्राण त्याग दे। सावरिया, तुमने कहाँ देख कर दी? आओ शीघ्र आओ सावरिया। नरसिंह जी बार बार द्वारकानाथ को पुकार रहे हैं। इधर द्वारकानाथ ने अपने साथ रुक्मणी जी को लिया, अन्य देवों को साथ में लिया, अपने पार्षदों को साथ में लिया और भक्त का भात भरने के लिए आप स्वयं पधारे। Yeah.
ही नहीं बस करिए, अब श्री क्रम को चलना भी है। मारे मारे नरसिंह जी ने प्रभु को देखा, प्रणाम किया। द्वारकानाथ बोले, अब कोई चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। नरसिंह जी, हाँ, अब आप अपने मन में कोई भी चिंता ना करें, मैं आ गया हूँ। और जितना सामान आपके समझी जी ने रखवाया था, उससे दोनों गुना आ गया है। वाह, जय हो। चलिए तो फिर देर हो रही है, इधर से चलते, रास्ता इधर से है। आयो नरसी को सावरिया मुनि भीतर आके इतने इतना लंबा मैं नहीं जा सकती, यहीं आके सुन लिया करो। और क्या कह रही है? अरे भाग तैयार है, अब तो तैयारी कर लो, देखो कितने बैंड दरवाजे बज रहे हैं, देखो कितनी भीड़ आ रही है। अच्छा, हाँ बहुत भीड़ आ रही है, भाग तैयार है। भाग तैयार आए, और क्या, भाग तैयार लेके आए, क्या लेके आए, जो भी आपने सामग्री लिखवाई थी ना, सारी लेकर के आए। अच्छा, तभी तो मैं कहूँ बहू क्या है, साक्षात लक्ष्मी है लक्ष्मी। तू जल्दी से जा, रामा को तैयार कर, और हाँ, रामा को गोद में उठा करके लाना, यदि उसके पैरों से धूल लग गई ना तो तेरी टांगें तोड़ दूंगी। गोद में अभी आयो नरसी को सावरिया, बीच में से थोड़ा सा रास्ता छोड़ दे बच्चों। Oh,
जैसे ही सावन साहब आगे आए, रामा मन में सोचने लगी कि महाराज भाई तो है पौड़ी, यानी कैसे कर लेंगे। अपनी सामग्री ले लीजिए। समझी जी, मैं तो गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं। तुम सागर हम ताल करो मत, चाल करण तेरी आयो, एक फटी पुरानी पाग सजन तो मेरी लाज रखी,
और अपने इन सब द्वारका वासियों को अपने साथ लेकर के यहाँ आए और आपको ये भात पहनाया है। हे सांवरिया, मैं आपसे विनती करता हूँ, ये नगरवासी यहाँ जो बैठे हैं इनको तो आप भात पहनाएंगे ही, किंतु बहुत से लोग हमारे संधी समधन ने अपने यहाँ नहीं बुलाए हैं, किंतु मेरी ये प्रार्थना है कि ये भात सदा यादगार रहे। जब तक संसार में सूर्य चंद्र समुद्र रहे तब तक ये भात याद रहे कि नरसी के सांवरिया ने रामाबाई को ऐसा भात पहनाया था। ऐसा कुछ कीजिए प्रभु जिससे सबको भात पहनने का अवसर मिले। तो नरसी जी, आप सबसे कह दीजिए कि आज रात्रि के सवा पहर तक कंचन की वर्षा होगी, उसमें से जिसको जितना लेना है वह ले सकता है। जय हो, बोलो सावन सा होगी, जय हो। जाइए ना, देख बेटी जा जल्दी राज मिस्त्री को खोज के ला, वो जहाँ पे हम रुके हुए ना उसकी छत पुरानी हो गई है, उसको तोड़वा दे। रात को सोना बरसेगा, पूरा सोना उसी में आकर के इकट्ठा हो जाएगा। अभी तोड़वा देती हूँ। रात को तुम तो यहाँ चले जाओगे तो कौन लेगा सोने? अब आप जो भी हमारी कमेटी के सदस्यगण हैं, सबसे पहले वो भात पहनाएं अपने अपने जोड़े के साथ में, और जिनका जोड़ा ना हो भी अकेले पहनाएं। जिसका कोई नहीं इस जग में है प्यारा कन्हैया, उसका रक्षक है प्यारा कन्हैया। कोई नहीं जिसका कोई नहीं इस जग में, उसका रक्षक है प्यारा कन्हैया। रक्षक है प्यारा बढ़िया।
कुछ कर सकते हैं प्यारा कन्हैया, इसका कोई नहीं कोई जग में, कोई नहीं जग में कुछ कर सकते हैं प्यारा कन्हैया, उसका शक है प्यारा कन्हैया। नरसिंह जी की सहायता की और नानी बाई का भाग भरा लीला को अब यही विराम है। ठाकुर जी की आरती करेंगे, हरि नाम लेते हुए प्रस्थान करेंगे। मैं आरती गाऊं जा रे आप।